टाटो मर, टाटो मर। लो भाई टाटो मर। हाँ लिखिएगा इसमें, टाटो मर का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। और टाटा और में देखिए होता क्या भाई, पहला कंडीशन लिखिएगा कि सर इसमें देखो आप, सबसे जो पहला कंडीशन है विथ ड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, विथ ड्राइंग का हिंदी समझते हैं आप, विथ ड्राइंग मतलब होता है खींचने वाला, खींचने वाला, जैसे वो पहचानेंगे आपको ऐसे कहीं पे इस तरह का ग्रुप अगर मिल गया इसको विथ ड्राई ग्रुप बोलते हैं, या फिर कहीं आपको नाइट्रो ग्रुप मिल गया इस तरह से ये भी ड्राई ग्रुप होता है, या फिर कहीं आपको साइनाइड मिल गया ये आपका विथ ड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। सेकेंड पॉइंट है सर इसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए, और उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो जो कार्बन होगा वो क्या होना चाहिए भाई आपका sp3, क्या होना चाहिए भाई sp3, और रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। एच प्लस आयन रिमूव होगा और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब कंडीशंस किसके लिए भाई आपका टाटो मर के लिए। अब बताइए थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोग कभी एल्डिहाइड का नाम सुने हैं क्या, एल्डिहाइड ऐसे ही लिखते हैं क्या, बोलिए भाई। अच्छा ये लोग बता रहे हैं सर बताओ एसीटल्डिहाइड का भी नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, बोलिए भैया नहीं सुने एसीटल्डिहाइड का नाम आप लोग। अब देखो यहां पे आप लोग, सर सबसे पहले पूछा जा रहा आपसे सर विथ ड्राइंग ग्रुप पहचानिए, क्या पहचानना आपको, क्या इसमें जो कंडीशंस दिया गया है उसमें से कोई भी यहां है पहले में है या दूसरे में, दोनों में बताओ भाई, जो ए है वो कंडीशन ए में है या बी में है या दोनों में है, बोलिए भाई पहला कंडीशन दोनों में है ना भैया, यहां भी आया हो। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया भाई, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जानते हैं आप लोग क्या होता है, वह कार्बन जो डायरेक्ट अटैच होता है, डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन विथ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, किससे अटैच होना चाहिए भैया आपका इलेक्ट्रॉन। अब बताओ भैया कि ये जो कार्बन है इसे कार्बन अटैच्ड है ना, कार्बन अटैच्ड है, देखिए क्या सुन रही है हाँ? एक क्लास में है क्लास में नहीं है, डिफरेंस है। यहां देखिए फिर ड्राइंग ग्रुप है ना, इससे कार्बन अटैच्ड है, देखिए फिर कर यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है ये हाइड्रोजन, यानी इस साइड कार्बन नहीं ना भैया, चलिए इधर आ जाइए यहां पे है कार्बन, यानी सर जो दूसरा कंडीशन अल्फा कार्बन वो इसमें, क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग, इधर आ जाओ भाई यहां देखो यहां अल्फा कार्बन है,
इस साइड नहीं है ना, अच्छा ठीक है भैया, यहां से इस साइड देखिए तो है ना अल्फा कार्बन भैया, बोलिए। और उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी है क्या, और ये अल्फा कार्बन sp3 भी है क्या, यानी सर ये कंडीशन यहां पे फॉलो हो रहा है, बोलिए भाई फॉलो हो रहा है ना, यानी अब ये आपका क्या शो करेगा टाटोमर, और ये शो करेगा टाटोमर नहीं शो करेगा ना, चला भाई बता, चल के आ जा, उसी बोलते हैं चला वायवता, उसी क्या बोलते हैं भाई चला वायवता, चल के आ जा। जा आपने कहा सर रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन, क्या बोला भाई आपने रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन, इस बात को समझिएगा कि सर ये क्या होता है, क्या हम इसका स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते क्या, बोले ऐसे लिख सकते कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, है। अच्छा तो बताइए जब यहां पे निगेटिव है तो यहां पे डेल्टा निगेटिव, सॉरी भाई पार्सल को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्या, और जैसे ही यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा इस कार्बन के कंपैरिजन बताइए, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया ऑक्सीजन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्या, अब अगर ये कमी हो गई तो किसी से हेल्प मांगेगा ना भाई, अब ये हेल्प किससे मांगेगा, यहां देखिए इसका भाई है कार्बन, अब कार्बन से कहेगा भाई कुछ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, कार्बन कहेगा ठीक है रुक जाओ भेज रहे हैं, ओटीपी जाएगा बता देना, अपना गूगल पे इसको करेगा, देखिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों बढ़ गई भाई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया ऑक्सीजन, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो सर अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अब उसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है अब इसको ये कार्बन अपने तरफ खींचेगा, जब अपने तरफ खींचेगा क्या यही चार्ज इस पर क्रिएट हो जाएगा क्या, बोलिए भाई क्या यही चार्ज फर्दर, देखिए यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ एच और वही चार्ज आपको देखिए अब यहां डेल्टा पॉजिटिव आ गया क्या, बोलिए भाई वही चार्ज यहां अब इस कार्बन पे आ गया क्या, अब ये कार्बन फोन करेगा हाइड्रोजन को कि कहेगा भाई हाइड्रोजन को इसलिए तुम थोड़ा इसे घूमने फिरने चले जाओ, कहां चले जाओ घूमने फिरने के लिए चले जाओ थोड़ा सा, वो कहेगा नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, कार्बन कहता है भाई मान जाओ यार कुछ समय के लिए कहां चले जाओ, लेकिन हाइड्रोजन कहता है हम, तो कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां दो इलेक्ट्रॉन है भैया, एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का ना है, हाइड्रोजन क्या सॉरी कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया ये कार्बन, और इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लिया, बोलिए भाई अब देखिए यहां से जब कार्बन क्या उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो बताइए यहां का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, बोलिए भाई कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा क्या, क्या भैया कार्बन पर निगेटिव कैसे आया, पहले यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो सर विथड्रॉइंग ग्रुप में देखिए ये कौन है आपका,
एक एक स्टेप देखिए, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक। ये फोन किसको करेगा, भाई को, मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम सुने हैं आप लोग, वो भाई को फोन करता ना, चिरकुट बॉडी चाहिए, प्रोफेसर बोला है सर्किट, वो पूछता भाई कौन सी डेड बॉडी चाहिए या फिर लिविंग बॉडी चाहिए, ने नाम सुने हैं भाई। देखिए अब यहाँ पे सर ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में खींच ले रहा अपने तरफ, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ये अपने भाई से बोला मुझे इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, भाई का कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब वो कमी इस पर आ जाएगी, तो ये भी तो अपना कमी पूरा करेगा ना, तो किससे मांगेगा भाई, अब इससे कहेगा अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए, वो कह रहा नहीं देंगे, कह रहा नहीं दे दो यार, कह रहा नहीं देंगे, खींच लेंगे ये कार्बन, कार्बन क्या कर लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया भाई, और आपने उसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया ना, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आ गया। अब बताइए जो निगेटिव चार्ज है क्या रेजोनेंस में है, क्या जो CH2 निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है क्या, जब रेजोनेंस करेंगे तो यहां आएगा देखिए, और ये यहां चला जाएगा, अब मुझको लगता है आप जानते हो CH2 डबल बॉन्ड CO निगेटिव H बनेगा क्या, अब ऑक्सीजन देखिए यहां परेशान हो गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया भाई, और ये कह रहा हम चार्ज रखना नहीं चाहते, अब कोई ऐसा मिले जो चार्ज हमारा रखने मदद करे, हेल्प करे, और ये देखिए यहां लावारिस बनकर के घूम रहा है H+ आयन, और ये देखिए यहां भैया ना H+ आयन, अब इसको किसी ने कहा कि नहीं यहां पे लावारिस है कुछ, अब ये धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा भाई, H+ आयन को देगा, देगा और देखिए क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CO H बनेगा क्या, क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH OH लिख सकते क्या, बोलिए क्या, यहां देखिए ये जो स्ट्रक्चर इसका CH2 डबल बॉन्ड CH OH उसी का दूसरा स्ट्रक्चर बन गया क्या, बोलिए भाई इसी को बोलते हैं टाटोमर, इसको क्या बोलते हैं भाई, टाटोमर, नोट कर लीजिए, अब बताइए आप लोग इसमें टाटोमर होगा या नहीं होगा, इसमें टाटोमर है या नहीं है, बोलिए भाई मन दिखा कर बोला करें पहले आप लोग कि टाटोमर है या नहीं है, अब ये इस रिंग के वजह से है कि इसके वजह से है या फिर दोनों की वजह से है, ये लोग कह रहे हैं दोनों की वजह से, देखते हैं हमको पता नहीं है, हमें बताइए पहले इसमें कोई विथड्राइंग ग्रुप है, कोई विथड्राइंग ग्रुप है इसमें, बोलिए भाई कोई विथड्राइंग ग्रुप है इसमें, कौन है भाई, कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, उसके बाद हमें चेक करना है सर जी अल्फा कार्बन, तो यहां देखो भैया इससे लगा ये भी अल्फा कार्बन है और इससे लगा ये भी अल्फा कार्बन है, बट क्या इसके पास हाइड्रोजन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, चार, यहां कोई हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे होगा क्या, कितना, एक, एक हाइड्रोजन यहां पे है ना, और यहां इस साइड से तो टाटोमर नहीं होगा बट इस साइड से, अब आपने कहा सर डायरेक्ट भी है अल्फा कार्बन भी है sp3 है, रिमूवल ऑफ H+ आयन, इसी H+ आयन को प्रोटॉन बोलते हैं, इसी H+ आयन को, वो भाई साहब बोल रहे हैं प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, देख लो भाई गुस्सा मत हो यार, ये हाइड्रोजन है ना, इसका जेट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना उसमें होता है, ये अब प्रोटॉन कितना होता है इसमें, यार देखो भाई, और यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए इसमें से, बोलिए अभी H+ आयन बनेगा कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन है क्या बचा सिर्फ, इसीलिए भैया जहां H+ आयन होता है उसको आप चाहें तो
प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। अब बताओ ये भी ड्राइंग ग्रुप है ना आपका, तो क्या इलेक्ट्रॉन को आगे अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव कार्बन पे आएगा, इसका मदद करने बगल वाला आएगा। अब देखिए यहां पे रिंग को ऐसे बना लेते हैं। बोलिए भाई, जब ये H प्लस आयन निकल जाएगा यहां से ये निगेटिव बनेगा क्या? जब इसको यहां शिफ्ट कीजिएगा तो यहां चला जाएगा क्या? देखिए तो अब फिर H प्लस आयन घूम करके ऐसे बन जाएगा क्या? बोलिए भाई, ऐसे बन जाएगा। ये लोग अरे कैसे पता आपको? चलिए फिर से देखते हैं। तो यूरिया का नाम सुने आप लोग? शायद मुझे लगता है ये फॉर्मूला होता है क्या? यही होता है NH2CO NH2। अब देखिए भाई ये भी ड्राइंग ग्रुप है क्या? बोलिए, यहां पे अल्फा कार्बन ना मिलकर के अल्फा नाइट्रोजन मिलेगा। अल्फा कार्बन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा यहां पे? अल्फा, ये देखिए ऐसे नहीं देंगे। बोलिए भाई, और ये देखिए जब इस पर से निकलेगा तो इस पर निगेटिव आगे यहां शिफ्ट करेंगे इधर वापस आ जाएगा। ये बन जाएगा भाई टाटोमर यूरिया, टाटोमर इन यूरिया। अच्छा आप लोग कभी हाइड्रोजन साइनाइड का नाम सुने हैं? हाइड्रोजन, ये होता है ना, यहां पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखिए जो कार्बन है ना, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 होता है। यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। कि आपने कभी पढ़ा है कि sp2 और sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अब बताओ भाई अपने मन से, पहले ये ज्यादा हुआ ना और इससे भी ज्यादा? अबे झूठ नहीं बोल रहे हम। अब बताओ दोस्त, अगर ये 2.5 है ये उससे बड़ा होगा कि नहीं? जो भी आएगा उससे बड़ा आएगा ना। मान लेते हैं आप लोग 2.96, बड़ा होगा कि नहीं? अब ये जो आएगा ये उससे भी क्या आएगा भाई? बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा बड़ा। यहां देखिए ये जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड है भाई? लेकिन यहां जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, यहां जो कार्बन है वो देखिए sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब उस तरह से देखिए ज्यादा है ना यहां पे। अब देखिए कार्बन से कौन अटैच्ड है भाई? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो यहां पॉजिटिव आएगा, तो ये खुद ही इतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कि डायरेक्ट ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने तरफ कार्बन। और यहां देखिए ये एच प्लस आयन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन बनेगा, और जैसे ही आप देखिए इसमें जब इधर शिफ्ट करेंगे ये इधर आ जाएगा, और इनका सी डबल जैसे ट्रिपल NH ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ये दो एटम है ना, ये दो ही एटम है ना यहां पे, इसको डायड टाइटमर बोलते हैं। दो एटम है, तीन होते तो ट्रायड बोलते, चार होते टेट्राड बोलते हैं। तो वही जो आपने लिखा था ना द्विक करके कुछ लिखा था, द्विक आयन है कुछ इस तरह से, मतलब दो एटम बीच में होता है। यहां याद रखिएगा अगर इसी H के जगह R लगा दें, इसी H के जगह क्या लगा दिया जाए भाई? R अल्काइल ग्रुप, ये आपका बन जाएगा फंक्शनल आइसोमर। नाम सुने आप लोग?
अगर यहाँ पे R लगा दें तो कौन सा आइसोमर बन जाएगा आपका? फंक्शनल आइसोमर। और अगर यहाँ पे H लगा दें तो कौन सा बन जाएगा आपका? टाटोमर। कौन सा बनेगा भाई? टाटोमर। नोट कीजिए इतना, यहां देखो भाई, इसमें टाटोमर होगा या नहीं होगा? दोनों साइड से टाटोमर है, यहां भी इस साइड से भी, इसमें टाटोमर होगा इस साइड से, यहां टाटोमर होगा। इसी बोलते हैं बेंजोफिनोन। सो क्या बोलते हैं भाई? बेंजो। इसमें टाटोमर है, देखिए तो यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन है बट इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है बट कोई हाइड्रोजन। यार देख लो भैया आप लोग, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन भी है। ये देखिए यहां दोनों साइड है, यहां देखिए ये जो CH2 ग्रुप है ज्यादा एसिडिक होगा, ये जब H+ आप रिमूव कीजिएगा यहां से तो नेगेटिव आएगा ना, और ये नेगेटिव देखिए दोनों साइड इलोकलाइज्ड होगा, ये जो नेगेटिव है ये दोनों साइड इलोकलाइज्ड होगा। अगर आप यहां नेगेटिव बनाते हैं, मान लीजिए आपने यहां भी बना दिया, ये तो बस एक ही तरफ इलोकलाइज्ड होगा ना, देखिए ये बस एक ही तरफ इलोकलाइज्ड होगा ना, लेकिन जो ये वाला है ये दोनों साइड इलोकलाइज्ड हो रहा है ना, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, सी एस थ्री के कंपेरिजन में। ये देखिए यहां पे ये ज्यादा एसिडिक होगा कि ये होगा? क्यों भाई? क्योंकि यहां देखिए रिंग भी आ गया ना, ये और ज्यादा एसिडिक होगा उसके कंपेरिजन में, इससे मतलब यहां टाटोमर होगा। अब ये कार्बन ज्यादा शो करेगा कि ये ज्यादा शो करेगा? ये बीच वाला ना, क्योंकि दोनों साइड इसके कीटो ग्रुप आ गया। अब देखो भाई इधर छोटू, अगर इसमें और इसमें अच्छा पूछा जाए कि दोनों में अच्छा टाटोमर कौन है तो कौन होगा? ये वाला सुनिए क्यों, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा ऊपर की तरफ, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है ना, प्लस आई और प्लस सी एच से, या इंडक्टिव से तो डोनेट करेगा ना, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पहले ही दे देगा, उसके आने से पहले ही दे देगा, जबकि ये तो नहीं ना देगा। ये नेगेटिव ज्यादा डीलोकलाइज होगा, और जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ही एसिडिक होगा, उतना अच्छा टाटोमर होगा, उतना ही अच्छा। अब यहां देखिए भाई, अब ये तो है लेकिन यहां शायद लोन पेयर है, ये तो और ज्यादा डोनेट कर देगा ना यहां पे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब अपने तरफ खींचेगा निगेटिव या पॉजिटिव आएगा ना, फिर सीधे लोन पेयर दे देगा, इसका वैसे अपडेट कंप्लीट हो जाएगा। ये इधर उतना शिफ्ट, यहां 13 बताओ भाई, इसमें टाटोमर होगा? देखिए यहां पे जो हाइड्रोजन इसके वजह से होगा ना कि यहां की वजह से होगा? बोलिए भाई, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसको क्या बोलते हैं भैया? ब्रिज हेड कार्बन। और ये हमेशा क्या होता है आपका, चाहे वहां डबल बॉन्ड हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा सर जी क्या होगा? sp3। और जो ब्रिज हेड का हाइड्रोजन है वो किसी काम का नहीं होता है, जो ब्रिज हेड का हाइड्रोजन होता है वो किसी काम का नहीं होता, कूड़ा कचरा से भी खराब होता है, जो ब्रिज हेड का कार्बन है वो इतना बेकार होता है कि किसी काम का, जो ब्रिज हेड का हाइड्रोजन है वो किसी काम का। अब बताइए इसके वजह से टाटोमर होगा? इसके वजह से टाटोमर, यहां देखिए इसमें टाटोमर होगा भाई, यहां तो हाइड्रोजन है ना, मतलब इस तरह से देखिए तो है ना हाइड्रोजन, तो क्या इसमें टाटोमर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे है ना, और ब्रिज हेड कार्बन का हाइड्रोजन किसी काम का नहीं होता। यहां बताइए इसमें टाटोमर होगा? जी यहां पे हाइड्रोजन है ना, इसके वजह से टाटोमर होगा, इसके वजह से नहीं होगा लेकिन इसके वजह से होगा। और कोई स्ट्रक्चर बचा है इसमें? नोट कर लीजिए।